गाइस ये लोनावाला आ चुके हैं गाइस। फर्स्ट प्राइज गोज टू मिस निमिषा शुक्ला। Welcome back to my YouTube channel, The Nimisha. I'm Nimisha and I'm vlogging today. Today is Independence Day, so happy Independence Day to you all. So मैं बहुत ही जल्दी उठ गई थी आज क्योंकि आज मुझे कॉलेज जाना है और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं कॉलेज जा रही हूँ। हर बार मैं डैडी के ऑफिस जाती हूँ, नहीं तो यहीं पे जो हमारे कॉलोनी में होता है झंडा रोहन, वही मैं अटेंड करती हूँ। सो आज मैं कॉलेज जा रही हूँ और उसका एक रीज़न है, दैट इज़ मुझे प्राइज़ मिलने वाला है कॉलेज में। सो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, अभी बस थोड़ा सा टचअप बाकी है, ब्रेकफास्ट करना है एंड देन आई एम गुड टू गो। सो लेट्स डू द मेकअप एंड लीव। आई एम रियली एक्साइटेड टुडे। मॉइस्चराइजर गाइज, मेकअप हैज़ नेवर बीन माई कप ऑफ टी, बट आई स्टार्ट बाई अप्लाइंग मॉइस्चराइजर एंड सम हाउ आई गेट माई डिजायरेबल लुक ऑलवेज, सो दैट्स हाउ इट इज। सो आई एम ऑल सेट एंड यस, नाउ लेट्स जस्ट गो एंड हैव सम ब्रेकफास्ट एंड आई एम ऑल्सो वांटेड टू ऐड सम ड्रिंक्स टू माई हैंड्स। वेयर दिस रिंग। कॉलेज में क्या माहौल है। सो गाइज, प्रोग्राम स्टार्टेड विद दिस फ्लैग होस्टिंग जो कि प्रिंसिपल मैम ने किया एंड आफ्टर दैट बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हुए जिसमें से जो मेरे सबसे फेवरेट्स थे वो सब मैंने इस वीडियो में डाला है, सो डू वॉच देम। और प्रिंसिपल मैम का स्पीच भी बहुत अच्छा और इंस्पायरिंग था, स्पेशली फॉर द यंग यूथ लाइक अस, सो लेट्स सी दैट। एज यू ऑल नो, आफ्टर 200 इयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड subjugation and the domination by the British rule, we got this independence after 200 years of struggle. And let me tell you, freedom did not come very easily. There was a very very high cost which had to be paid for this freedom. Different ideology, Mahatma Gandhi had a different ideology, but sabka vision, sabka will was only for one thing, which is freedom. So that spirit of taking along different people with you, my dear students, तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग होंगे जिनके different thought process होगा, different religion होगा, different caste होगा और different उनकी lifestyles होंगे, but you have to learn to take everybody with you because finally what is the mission? अभी आप लोगों का mission और vision क्या होना चाहिए? Of creating a good society in which there is peace, there is place for everyone to grow. So that thought has to be the driving force with you. Now, as you all know, Nelson Mandela had said that education is the most powerful tool to create change. So, अभी आप सबके पास तो वो tool है ना, education. Your parents have given you the opportunity to study. So, this tool you have to use to transform this world around you. And as I always say, how can you transform this world around you? आप कैसे दुनिया को change करोगे? By just changing and watching your ना पूछो जमाने से हमारी कहानी क्या है, ना पूछो जमाने से हमारी कहानी क्या है, हमारी पहचान यही है कि हम हिंदुस्तानी है। नमस्कार, मैं रविंद्र मुंडेतिया आप सभी को आजादी के इस अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। 1947 याद कीजिए, वो साल 1947 जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ। लेकिन आजादी मिलना कोई आसान काम नहीं था,
आजादी मिलना कोई आसान काम नहीं था। न जाने कितने ही वीरों ने अपनी जान दे दी थी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और न जाने कितने ही कुछ ऐसे ही वीरों के अनमोल विचार आइए सुनते हैं। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आणि तो मी मिलवणारच। तुम भूल गए शायद मुझको, मैं झांसी वाली रानी हूँ, जो नपुंसकों पर भारी थी, मैं वो मर्दानी हूँ। एक देश की महानता, बलिदान और प्रेम इस देश के आदर्शों पर निहित करता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद। क्या मामू लोग, मेरे को पहचाने कि नहीं पहचाने तुम लोग? नहीं पहचाने। अरे मैं कोरोना हूँ रे, मेरे को नहीं पहचाने। हमको भी इंसान ही चाहिए। देखिए भाई साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ। अरे ये मामू और बज रहा है अलग, इसको पहले सुनाना पड़ेगा। चले चल, तुम्हारा बच्चा चले चल। 27 जनवरी 2020 पहला कोविड पेशेंट पाया गया। मेरे भाइयों और बहनों, मित्रों, आज इस कोरोना ने हमसे हमारी नहीं बल्कि आप सभी की आदत छीन ली है। इससे बचने के लिए हम चाहते हैं कि आप सब अपने अपने घरों में रहें, अपनी स्वच्छता का ध्यान खुद रखें और सुरक्षित रहें। और इसी के चलते मैं आप सभी का प्रधानमंत्री आज से 21 दिन के लॉकडाउन के संधि की घोषणा करता हूँ। तो हाँ दोस्तों, ये है कोरोना जिसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे 21 दिन का लॉकडाउन लगाया है। इसने पता नहीं आज तक कितनों को बीमार किया है। अरे बाबू वो शाना बन रहे क्या तू? अपन पुलिस ऑफिसर है, डालू क्या देखो जेल में? बोला बोल। ए ऐसा क्या देख रहे रे? तेरा भी दिन आ गया ना मामू। क्या दिन आ गया, मतलब क्या रे मामू? अच्छा छोड़े चल भाई। भारत में सन्नाटा छाया हुआ था, ना स्कूल में बच्चों का शोर, ना और ट्रैफिक की आवाज, सिर्फ एक आवाज थी और वो थी एम्बुलेंस की। लोग परेशान थे, बीमार थे और हॉस्पिटल में जगह तक नहीं थी। प्लीज प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, वो मर जाएगी। प्लीज कुछ तो कीजिए ना, वो मर जाएगी। कोशिश करें। अरे आप भी तो इंसान है, मेरी प्रॉब्लम समझिए ना प्लीज। अरे आप जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं जाओ यार, मानो सब रुक सा गया था, जिंदगी थम सी गई। हमारा सारा समय सिर्फ हमारे कमरे की चार दीवारी में बीत रहा था। लोग घुट रहे थे, अरे आखिर मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? चार महीने हो गए इस लॉकडाउन को, काम धंधा सब बंद पड़ा है, मैं खाऊंगा क्या? मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। है किसी के पास कोई जवाब इसका? है किसी के पास? आखिर गलती किसकी थी? उस पुलिस वाले की जिसने हमें घर में रहने कहा था, उस डॉक्टर की जिसके पास बेड्स नहीं थे, या फिर उन रिपोर्टर्स की जो अपनी जान पे खेल के हमें सही वक्त पे सही जानकारी दे रहे थे? यहाँ गलती किसी की भी नहीं थी, गलती थी तो सिर्फ हालातों की। इसे बाहर निकालने में इन्होंने हमारी मदद की है। एक लड़ाई वो थी जो हमने 1947 में लड़ी थी, और एक लड़ाई आज के वक्त की है जो हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। हमें एकजुट होकर उस साल की तरह भी इस साल भी एक दूसरे का साथ देना है। तो आज हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि कोई भी मुश्किल आ जाए, हम एक साथ एकजुट होकर खड़े रहेंगे। कोई
खड़ा रहो, तभी गोविंद सिंह राम का गाइज। द प्रोग्राम स्टार्टेड आउटसाइड बट एंडेड इनसाइड आवर कैंपस बिकॉज बाहर बहुत अच्छे से हो रहा था सब कुछ बट इट स्टार्टेड रेनिंग सो वी ऑल केम इनसाइड आवर कैंपस एंड आगे का प्रोग्राम फिर यहीं पर हुआ और हम सब लोग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स ऐसे चिल्ला चिल्ला के एक साथ गा रहे थे सो इट वॉज सो फन पर हमारा गला भी बैठ गया था सो आफ्टर दैट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हिंदी मराठी गोस टू अक्षय दुबे अक्षय दुबे ओ दुबे 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 फर्स्ट प्राइज इन स्टोरी राइटिंग इंग्लिश गोस टू मिस निमिषा शुक्ला ए सेजिन जी सेजिन जी सेजिन जी आफ्टर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत कुछ हुआ लाइक दे ऑल वर सिंगिंग बट आई वॉज अ लिटिल टायर्ड सो इसलिए मैं घर आ गई एंड डैड हैड कम टू पिक मी अप सो वी आर इन द कॉलोनी राइट नाउ एंड आई एम फीलिंग बेटर बहुत भीड़ थी वहाँ पे इसलिए मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा था और हेडेक भी हो रहा था थोड़ा सा सो नाउ आई एम फीलिंग बेटर आफ्टर कमिंग इन माई कॉलोनी एंड सो गाइस और लोना वाला आ चुके हैं गाइस लोना वाला मेरे पापा बोलते हैं लोना वाला जाने का क्या जरूरत है अभी इधर ही सब आई एम बैक फ्रॉम माय कॉलेज और मैं यहाँ पे आई हूँ ये एक एरिया है जहाँ पे माउंटेन्स बहुत मस्त लगते हैं हमारे कॉलोनी में सो हम लोग यहाँ पर थोड़ा पिक्स एंड ऑल निकाल रहे हैं यहाँ पे मम्मी है प्रिंसी है और प्रिंसी की बेस्ट फ्रेंड टीना है सो हियर दे आर So guys, I'm ending this vlog over here. I hope you enjoyed it and make sure to subscribe if you're new here and also comment down below कि आपको सबसे अच्छा part कौन सा लगा video का and yes, like the video. Goodbye, take care, meet you in the next video.